हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल पोटली अनीता की। तो तरबूज तो हम सब खाते ही हैं, आगे गर्मियां आने वाली हैं तो देखिए तरबूज तो हम खाते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो ये ग्रीन पार्ट बच जाता है ये बहुत ही अच्छा एंटासिड है। ये एक बहुत ही अच्छा एल्कलाइन होता है, तो इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका आज मैं बना के दिखाती हूँ आपको जूस। देखा आपने कितना अच्छा जूस निकला है, हम जिनको वैसे ही फेंक देते हैं। तो ये देखिए अब हम सर्व करेंगे। इसमें मैंने लिया है बिल्कुल थोड़ा सा पानी। इस पानी में हम थोड़ा सा हमारे ग्लास को डिप करके निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम दूसरी प्लेट लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक। इसके अंदर अब हम हमारे ग्लास को घुमा लेंगे। ये स्टाइल मेरे बच्चे करते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी, तो आज मैं उन्हीं के स्टाइल से आपको ये सर्व करके दिखाऊंगी। अगर ज्यादा लग जाए तो हम हटा देंगे इसको, लेकिन मैं नहीं करती, ये वही बच्चे ही करते हैं। ये हमारे ग्लास के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा नमक लगा है। जब हम जूस पियेंगे तो हमें नमक का टेस्ट आएगा। इसी तरह से हमारा जो दूसरा ग्लास था इसके भी किनारे पे हमने पानी लगाया था और इसको भी हम इस तरह से काले नमक में घुमा लेंगे। इसके भी किनारों पे थोड़ा थोड़ा काला नमक लग गया है। अब हमारे ग्लासेस जूस सर्व करने के लिए रेडी हैं। चाहे तो आप इसे छान लें, और वैसे इसके अंदर फाइबर है अच्छी मात्रा में। ये देखिए कितना अच्छा जूस हमने जो हम फेंकने वाले थे उसमें से निकाला है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय।